बड़ी खबर, देश के कुछ बैंक पर साइबर अटैक की वजह से बैंक में सेवाएं प्रभावित। पेमेंट सिस्टम बंद होने से यूपीआई एटीएम सर्विस भी ठप है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ और इसी के चलते 300 छोटे बैंक प्रभावित हुए हैं। रैंसमवेयर अटैक के चलते स्थानीय बैंक्स को अपना कामकाज तक बंद करना पड़ा है। हमले की शिकार एक सीएस टेक्नोलॉजीज कंपनी हुई है। ये इन सभी बैंक को टेक्निकल सपोर्ट देती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल अस्थायी रूप से इस कंपनी के काम पर लगा दी है रोक। साइबर अटैक की वजह से बैंक में इस वक्त सेवाएं प्रभावित है। पेमेंट सिस्टम बंद होने से यूपीआई और एटीएम सर्विस भी हो गई है ठप। देश के कुछ बैंक्स पर साइबर अटैक हुआ। जानकारी सोर्सेस के हवाले से ये मिल रही है कि सीएस टेक्नोलॉजीज पर हुए साइबर अटैक के चलते देश के लगभग 300 छोटे बैंक का पेमेंट सिस्टम ठप हो चुका है। कंपनी पूरे देश में बैंकिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम उपलब्ध कराती है। हालांकि इस मामले पर फिलहाल सीएस टेक्नोलॉजीज ने खुद भी कहने से इनकार किया, लेकिन खबर यह है कि इस हमले से, साइबर हमले से पेमेंट सिस्टम बंद होने के कारण यूपीआई और एटीएम भी ठप पड़ गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। साइबर अटैक की वजह से बैंक्स में कामकाज हुआ ठप। भारतीय बैंक पर बड़ा साइबर हमला, 300 बैंकों के पेमेंट सिस्टम बंद हो गए और यूपीआई एटीएम सर्विस भी इस वक्त हो गई है ठप। एक बड़े रैंसमवेयर हमले ने लगभग 300 भारतीय बैंक के संचालन को बाधित कर दिया है और इसका मुख्य असर ग्रामीण और सहकारी संस्थाओं पर पड़ा है और इससे बड़े पैमाने पर एटीएम यूपीआई सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने कहा कुछ बैंक के यूपीआई, आईपीएमएस और अन्य भुगतान सिस्टम अस्थायी रूप से ग्राहक जो है उनको अब उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसे कई बैंक को सर्विस प्रोवाइडर करने वाली जो सीएस टेक्नोलॉजीज है उसके सिस्टम पर रैंसमवेयर हमले के कारण से ये सब कुछ हुआ है। एनपीसीआई ने कहा कि पेमेंट इकोसिस्टम पर पड़े प्रभाव को रोकने के लिए एनपीसीआई ने सीएस टेक्नोलॉजीज को जो एनपीसीआई द्वारा संचालित खुदरा पेमेंट सिस्टम तक पहुंचने से अस्थायी रूप से अलग कर दिया है। तो देखिए कौन कौन से बैंक प्रभावित हुए हैं, वो छोटे बैंक से खासतौर पर जो सहकारी संस्थाएं, जो ग्रामीण बैंक हैं, सीएस सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता है और एनपीसीआई ने कहा कि एनपीसीआई के संज्ञान में लाया गया है और इस मामले पर लगातार काम किया जा रहा है।